नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बात करते हैं कि एक विद्यार्थी एवं जो हमारे युवा हैं उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें करना क्या है और वह कैसे कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, इसलिए नहीं लगता कि वह अस्थिर है, और जिसका मन लगता है वो इसलिए लगता है कि वह स्थिर है। तो क्या करना है? मन को लगाने के लिए हमारे जो विद्यार्थी युवा जो भारत के भविष्य के निर्माता हैं हमारे देश के, करना क्या है, उनको मन को कैसे लगाना है। देखो, आप तीन जगह जरूर जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, अपने अपने धर्म के हिसाब से गुरुद्वारा जाओ, एवं लाइब्रेरी जाओ और जिम जाओ। हम अपने युवाओं से, अपने विद्यार्थियों से यह अपील करता हूं कि यदि आपको अपने जीवन में एक सफल प्राणी बनना है और अपने मन को स्थिर करना है तो आप मंदिर जाएं, या आप मस्जिद जाएं, या आप गुरुद्वारा जाएं, उसके साथ साथ लाइब्रेरी जाएं और जिम जाएं, क्योंकि शारीरिक और मानसिक शक्ति ही आपको मजबूत पायदान पर ले जा सकती है और वही शक्ति आपको विकास की ओर, विकास के रास्ता पर ला सकती है। इससे आपका मन स्थिर होगा, आप एक मजबूत शक्तिशाली मानव इंसान का एक स्वरूप आपके अंदर निर्माण होगा। अब बात करते हैं, देखो, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारा जाने से आपके मन को शांति मिलती है, आपका मन एकाग्र होता है, क्योंकि आप वहां ध्यान लगाते हैं और जब आप ध्यान लगाएंगे तो मन एकाग्र होगा। तो जो आपका लक्ष्य है, जो आपका कार्य करने का स्वरूप है, उसमें आप बड़े इत्मीनान पूर्वक, धैर्य पूर्वक कार्य करेंगे। उसी के साथ साथ लाइब्रेरी जाएं, जिम जाएं, जिससे शरीर का निर्माण, यह है जीवन को सफल बनाने का मार्ग जो हमारे देश के युवाओं और विद्यार्थियों से मेरा अपील है। जय हिंद साथियों।